कांग्रेस हा एक घाव फेर सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हे। इही क्रम में कांग्रेस हा मंगलवार के दिन भूमिहीन मल्ला पट्टा दे के संग 9 सूत्री मांग ला लेके विधानसभा ला घेरे के कोशिश करिस। इही मौका में पुलिस और कार्यकर्ता मन में जम के झूमा झपटी घलो होइस। कांग्रेस नेता मन के मानन तो सरकार के दमनकारी नीति के विरोध में एक कदम उठाए जाते। कांग्रेस हा आंदोलन के माध्यम ले राज्य सरकार ले मांग करे है कि सरकार गरीब मनला आबादी वाला भूमि पट्टा मा दे, संगे संग झुगी बस्ती मा अतिक्रमण के नाम मा करे जा तोड़फोड़ ला खलोक तत्काल बंद करे। ये प्रदर्शन मा PCC चीफ भूपेश बघेल समेत हजारों की संख्या मा कार्यकर्ता मन हा मौजूद रहे। संगे संग कांग्रेस के सभा मा विधायक सत्यनारायण शर्मा, कवासी लखमा, मेयर प्रमोद दुबे, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा के संग कई नेता मन हा खलोक मौजूद। कांग्रेस के घेराव ला देखत हुए पुलिस हा प्रदर्शन स्थल और ओखर आसपास की सुरक्षा बढ़ा दे रहे। पुलिस हा पंडरी बस स्टैंड से लेके लोधीपाला चौक और ओखर आसपास के क्षेत्र ला छावनी में तब्दील कर दे रहे। चप्पा चप्पा में हथियार ले लैस पुलिस बल ला तैनात करे गए रहे। बैरिकेड घलोक बनाए गए रहे। एकर अलावा पुलिस प्रदर्शनकारी मन ऊपर नजर रखे बर पहली बार ड्रोन कैमरा के इस्तेमाल घलोक करे है। कांग्रेस हा सरकार ऊपर आरोप लगाते हुए कहेस के सरकार के दमनकारी नीति के विरोध में विधानसभा की घेराव करे जाते। कांग्रेस हा राज्य सरकार ले मांग करे है कि सरकार गरीब मनला आबादी वाला भूमि पट्टा मा दे, संगे संग झुग्गी बस्ती मा अतिक्रमण के नाम मा करे जा तोड़फोड़ ला घलोक तत्काल बंद करे। आज ये जिन लड़ाई है तिन गरीब की लड़ाई है। गरीब के माटी तेल बंद हो गए, गरीब ला पट्टा मिलना बंद हो गए, गरीब ला राशन कार्ड में कटौती हो गए, 35 किलो की जगह 7 किलो हो गए। सवाल ये बाप के है कि गरीब लपट्टा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, गरीब ला सस्ता बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, गरीब ला राशन 35 किलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तेकरे बरे लड़ाई हमन आप मन ला बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता मनहा बैरिकेड तोड़े की कोशिश करेस और आगे बढ़े के प्रयास खलोक करेस। फिर पुलिस हा हल्का बल प्रयोग करत हुए लोधीपारा चौक के तीर ही उमनला रोक लीस। कांग्रेस आंदोलन को तिले सरकार ऊपर आरोप की झड़ी लगा दे है। अब सरकार संज्ञान ले थे या नहीं ये तो समय बताही। ब्यूरो रिपोर्ट, देश TV। राजधानी में पानी के विकराल समस्या ला लेके भाजपा पार्षद दल हा निगम मुख्यालय में प्रदर्शन करिस। ए मौका में वो हा आयुक्त कक्ष में धरना देके ये मामला में दोषी अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई करे के मांग करिस। कुछ देर बाद में आयुक्त रजत बंसल हा 2 दिन के भीतर में अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई करे के आश्वासन दिस, तब जाके भाजपा पार्षद मन हा अपन प्रदर्शन ला खत्म करिन। पिछले 3 महीना ले नल के माध्यम ले पानी के आपूर्ति हा सही तरीका ले नहीं हुआ थे, जेखर से शहर मा पानी ला ले के विकराल स्थिति हा बने हवे। एखर से नाराज भाजपा दल हा नगर निगम मुख्यालय भवन मा धरना दिस। ए मौका मा वो हा आयुक्त के कक्ष मा प्रदर्शन करिस। भाजपा पार्षद मन के मानबो त पिछले 3 दिन तक ले शहर मा पानी के समस्या हा लोगन मन ला परेशान करत हे। उहे निगम प्रशासन हा ये मामला मा ध्यान नहीं देवत हे। पार्षद मन हा जल्द ला जल्द दोषी अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई के मांग करिस। जी हाँ, कमिश्नर हा 2 दिन के भीतर मा दोषी अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई करे के आश्वासन दिस। देखिए, नगर निगम एक स्वसहायक संस्था है, यहाँ पे चुनी हुई बॉडी जिसके महापौर कांग्रेस के प्रमोद दुबे जी है, उनको इस विषय में बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए कि जो पानी लोगों की आवश्यकता है, यदि 3 टाइम यदि लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो उनका गुजारा कैसे होगा। उनको इस बात की चिंता है कि हम घेराव कैसा करें, हम आंदोलन कैसा करें। वहाँ पर यदि वास्तव में संवेदनशीलता रहती, आज वो नगर निगम में आते, सारे अधिकारियों को बुला के पूरी बात करते कि आखिर प्रॉब्लम क्या पैदा हुई थी, उसके कारण से लोगों को 3 दिन तक पानी नहीं मिला। महापौर जी नगर निगम आना तो दूर, अधिकारियों से उन्होंने बात तक के नहीं करा, और जो बात नहीं की इसी का परिणाम है कि आज गलत उनका समाचार पत्र में उनका बयान छपा है। यदि महापौर में संवेदनशीलता रहती तो सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले शहर की जिन जनता ने उनको चुना है उनकी समस्या का समाधान करने के लिए वो नगर निगम में आके अधिकारियों की बैठक बुलाते, समस्या का समाधान करते। वर्तमान में अभी 3 बार का पानी रायपुर नगर निगम का जो सप्लाई था वो बाधित हुआ है, और इस पे अलग अलग तरह के कारण सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के अभी भाजपा दल भी आए थे, उनके साथ भी बैठक हुई हमारी, और इसको मैं स्वयं जांच करके इसमें यदि कोई दोषी अधिकारी निकलते हैं नगर निगम से तो उन पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। साथ में ही आगे के लिए हमने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं, जिसमें कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो वॉल्व जो उसको ठीक करना है, उसको भी कार्रवाई जारी है, वो भी अभी जल्द हो जाएगा। आज शाम से पानी की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। आयुक्त के आश्वासन के बाद भाजपा पार्षद दल हा अपन धरना ला समाप्त करिन।
आयुक्त ह अधिकारी मनु पर कार्रवाई करे के बात ला घलो करीन और संगे म जल्द ल जल्द पानी के समस्या ला निजात दिलाए के आश्वासन घलो दिस। अब देखना होही कि यह मामला मा कौन अधिकारी ऊपर गाज गिर थे। ब्यूरो रिपोर्ट देश टीवी। अब शहर के सफाई के ठेका लेने वाला राम की कंपनी ला 30 वार्ड मन मा 100% काम करके दिखाना होही। लगातार मिला शिकायत के बाद निगम प्रशासन हा ये फैसला ले है और संगे मा ही कंपनी ला पार्षद मन के संग तालमेल बना के काम करे बर कहिस। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ला लेके बीते 3 महीना ले बवाल मचे हवे और ये बवाल हा अब दिन ब दिन बढ़त जाते। काबर की पार्षद मन ला लेके अफसर तक हा राम की कंपनी के काम ले संतुष्ट नहीं है। विपक्ष के तमाम विरोध के बाद पहली घाव नगर निगम आयुक्त हा 30 वार्ड मा कंपनी कोती ले सुविधा देवत है और साथ ही ओखर मन के पार्षद ला बुलाएगीस। कंपनी के स्टेट मैनेजर योगेश कुमार हा प्रेजेंटेशन दिस कहिस कि 90% घर ले कचरा उठा जा चुके है जेखर ले पार्षद मन हा भड़क उठीस और बोलिस कि कौन कौन गली में जाहस और कौन कौन गली के कचरा ला तेहा उठाहस। एखर बाद मा 30 वार्ड के पार्षद मन हा कंपनी के मैनेजर ला लेके निगम के मॉनिटरिंग व्यवस्था मा हमला बोलिस और आखिरी मा निर्णय लेगीस कि 20 जुलाई के यही पार्षद मन हा कंपनी के काम के समीक्षा करही। कंपनी हा ये दिन मा अपन सबो कमी मन ला सुधार लेवाय। आयुक्त रजत बंसल हा दो टूक कहिस कि व्यवस्था ला सुधार लेवाओ नहीं तो कार्रवाई बर तैयार रहाओ। अब ये बैठक हा 4 घंटा तक चलीस। रामकी ग्रुप के द्वारा अभी वर्तमान में 30 वार्ड में नगर निगम का डोर टू डोर कलेक्शन का काम किया जा रहा है और इस ग्रुप का जो काम चल रहा है उसको लेकर के कल एक समन्वय बैठक हमने आयोजित की थी जिसमें सभी 30 वार्ड के पार्षद भी उपस्थित थे। रामकी को हमारी ओर से एक नोटिस जारी किया जा रहा है। कल की बैठक के परिवेश में जो जो मुद्दे उनके निकल के आए हैं उसी संबंध में उनको नोटिस जारी किया जा रहा है और 20 जुलाई तक उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। फैसला लेगी कि कंपनी हा 30 वार्ड के 100% घर ला कचरा ला उठा के दिखाई तभी ओला भुगतान करे जाही और ओला काम दे जाही। महापौर प्रमोद दुबे हा कंपनी ला निर्देशित करी से कि सबो पार्षद मन ले समन्वयन बना के काम कराए। ब्यूरो रिपोर्ट देश टीवी। जात जात एक बार फिर देखथन खबर के सुर्खी मल्ला। रेणु जोगी ला लेके सदन में होइस हंगामा। रेणु के समर्थन में उतरीस भाजपा ले कांग्रेस के होइस बहस। कर्ज ले किसान मन के आत्महत्या मामला में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव आग्रह। नाराज विपक्ष करी सदन ले वॉकआउट। अब विधानसभा के घेराव करे बर पहुंचीस कांग्रेस कार्यकर्ता। भूमिहीन मल्ला पट्टा नहीं दे के लगे आरोप। अब आप देश टीवी के सबो खबर और कार्यक्रम मल्ला यूट्यूब चैनल में घलो देख सकत हो। जोहार रायपुर में आज बस इतना ही। मोला दोबिदा। जय जोहार।